प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 8.3 करते हैं। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर है 8.3। इसके हमने दो क्वेश्चन किए, यहाँ पर छोटे छोटे से दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये है सेक 4a इज इक्वल टू कोशेक ए माइनस 20। हमें ए का वैल्यू निकालना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमने यहाँ सॉल्यूशन लिखी है। हम जानते हैं सेक 4a, इसको जब हम ट्रांसफर करते हैं, फार्मूला जब लिखते हैं, कोशेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक। इसलिए हमने इसको चेंज किया, इसको हमने लिखा कोशेक 90 माइनस 4a, दैट मीन्स सेक 4a, इसको हमने इस सूरत में लिखा। और यहाँ पर लिखा है हमें कोशेक a माइनस 20। इस तरह हमारे पास इक्वेशन तो बन गई। इसका एंगल ये है और यहाँ पर ये है। अब हम दो एंगल को आपस में इक्वेट करते हैं। हम लिखते हैं 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20, ए माइनस 20। इस तरह यहाँ जब हम इस a को यहाँ लाते हैं तो ये माइनस बन जाएगा, या इस a को हम यहाँ लाते हैं तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा इज इक्वल टू 5a। 5a हमें बन गया ये 20 प्लस 90 इज इक्वल टू 110। यानी 5a 110 के बराबर है। a का वैल्यू निकल गया हमें 22। छोटा मोटा सा क्वेश्चन है। और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर किया। इसको आप समझ गए, sec a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, हमें a का वैल्यू निकालना था। हमने इक्वेशन यहाँ पर ये फार्मूला लगाई, इस फार्मूला के जरिए हमें एंगल दो बराबर मिल गए। हमने इन एंगलों को आपस में इक्वेशन की तो हमें a का वैल्यू सामने आया। इसी तरह यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें तो लिखना था पहले, लेकिन हमने लिखा इसके बाद में। चलो कोई परवाह नहीं है, आपको पता है ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसी 8.3 एक्सरसाइज का। यहाँ पर लिखा है tan a इज इक्वल टू cot b इज इक्वल टू cot, यहाँ हमें निकालना है a प्लस b का वैल्यू क्या है। हम देखते हैं यहाँ पर cot है, यहाँ पर tan है, हम इसको भी cot बनाएंगे। हम लिखेंगे tan 90 माइनस बी इज इक्वल टू tan इज इक्वल टू tan, यहाँ हमें बन गया a, यहाँ हमें बन गया 90 माइनस बी, यानी ये एंगल और ये एंगल। हमें हमारे पास अब रह गया a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ये tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस बी, यही हमने लिखा। a के बदले हमने ये लिखा और इसके बदले हमने ये लिखा a इज इक्वल टू 90 माइनस बी और a प्लस बी। a को हमने यहाँ लाया, ये माइनस था, यहाँ पर प्लस बन गया और a प्लस बी हमें निकल गया 90 डिग्री। थैंक्स।